वेलकम टू जीवन ज्योति क्लासेस और मैं हूं विकेश कुमार। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है, रूट फाइंड करना है विद हेल्प ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर जो यहां पे a है, जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होता है। तो जो यहाँ ए है उसी से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 से हम डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, बोथ साइड। तो अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, x स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 बाई 2 एक्स, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बाई 2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए क्योंकि हमें यूज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर में होना चाहिए, a प्लस b के होल स्क्वायर में होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस फॉर्म में होना चाहिए या फिर इस फॉर्म में होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये डिपेंड करता है कि इस पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में होगा या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में होगा, ये डिपेंड करता है जो कोफिशियंट है एक्स उसका। तो एक्स का कोफिशियंट अगर माइनस में है यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये ब्रेक होगा, तो हम एक्स को ए मान लेते हैं यानी ए का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब चाहिए हमें 2ab, 2 ले लिए, ठीक है, a हमारे पास x है और b क्या है 7 by 2 into 2। देखो यहां पे 7 by 2 तो ऑलरेडी था, लेकिन अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 by 2 x आ जाएगा, इसी चीज को लिखे, लेकिन फॉर्म में क्या रखे, माइनस 2ab, 2 a इसको मान लिए, जो बच गया वो हो गया b, b कौन हो गया 7 by 4, ओके, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है, प्लस अब b स्क्वायर, b की जगह क्या है 7 by 4, तो 7 by 4 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अगर 7 बाई 4 का होल स्क्वायर किए हैं तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए अगर प्लस किया है तो फिर माइनस भी करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद क्या है, ये तो कट जाएगा, आ जाएगा 0, बस इसको फॉर्म में लाने के लिए हमने ऐसा किया, प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0। तो अब यहां पे देखिए x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2 ए बी के फॉर्म में हो गया 2a 7/4 प्लस बी स्क्वायर यानी 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहां से यहां तक इस सबको लिख दिए। अब इसको लिखते हैं, ये क्या होगा 49/60 स्क्वायर के, सॉरी यहां माइनस है ना, ये तो यहां तक हो गया माइनस 49/16, ठीक है, माइनस 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, इट्स माइनस 7/4 होल स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस है इक्वल के इस साइड में आएगा, प्लस हो गया 49/16, ये प्लस है माइनस हो गया 3/2, ठीक है, एलसीएम लिए 16 49, इसको डिवाइड करो 8 3 24, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया,
ठीक है, अभी और सॉल्व करना है तो आगे भी इस तरह से एक लाइन दे दे रहे हैं। तो आ गया हमारे पास एट माइनस सेवन वाई बाई फोर होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं क्या आएगा, 25/16। तो एट्स माइनस सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर है ये है, तो एट्स माइनस सेवन बाई फोर क्या होगा, इसको रूट करेंगे तो अगर रूट करते हैं ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर 25/16, यानी रूट से जब बाहर आता है प्लस और माइनस दोनों एक साथ हो जाएगा, प्लस माइनस 5/4। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, इधर आके क्या हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस था तो इक्वल के इस साइड में जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस ठीक है माइनस 5/4 दोनों हो गया। तो यानी एक्स के एक वैल्यू के लिए हम प्लस लिख देंगे, एक वैल्यू के लिए माइनस लिखेंगे। जैसे ही हम प्लस करते हैं तो आएगा 12/4 यानी कि 3। अगर हम माइनस करते हैं तो 7/4 माइनस 5/4 यानी कि एक्स का वैल्यू आ गया 2/4 1/2। तो एक्स के दो वैल्यू आया, दो रूट आया, एक आया क्या 3 और दूसरा आया 1/2। तो एक्स के दो रूट आ गए 3 एंड 1/2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट ही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तो बोल सकते हैं इसमें क्या दिया है, 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, तो इसको भी वही करते हैं, यहाँ पे x का कोफिशियंट देखेंगे। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, x का कोफिशियंट अगर प्लस है तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा, अगर x का कोफिशियंट माइनस होता तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक होता। तो यहाँ प्लस है यानी ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये एक्स स्क्वायर आया, ये एक्स बाई टू आ गया, ये 4/2 हो गया। 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये 0 रह गया। वापस आते हैं एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ये स्क्वायर हो गया प्लस 2 खुद से लगाएं, एक्स तो है ही, बाकी क्या बचा 1/2। ओके, यहां पे मल्टीप्लाई किए हैं तो यहां पर डिवाइड भी कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह क्या है 1/4, 1/4। देखते हैं इसको कटाएंगे वापस यही फॉर्म आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा ब्रेक किए हैं। ठीक है, यहां पे ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, बी स्क्वायर होना है तो बी स्क्वायर क्या, वन बी क्या है 1/4 है, तो 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस किए 1/4 का होल स्क्वायर तो माइनस भी करना पड़ेगा 1/4 का होल स्क्वायर। ओके, और ये क्या है 4/2 यानी कि -2 = 0। तो यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1/4 यानी 2ab + b² a प्लस b के होल स्क्वायर पे ये ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, b की जगह क्या है 1/4 है, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ओके ओके, माइनस इसका स्क्वायर करते हैं 1/16 -2 = 0। इक्वल के इस साइड में लेकर जाते हैं सबको, क्लियर है, इक्वल के इस साइड में लेके जाएंगे 1/16 + 2, सॉल्व करते हैं 16 1 + 8 एस प्लस 1/4 होल स्क्वायर। एस प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 9/16। एस प्लस 1/4 होल स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या होगा, रूट 9/16। और रूट से जैसे ही बाहर निकलेगा प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, तो प्लस माइनस 3/4। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा ये इस साइड आए तो -1/4 + -3/4,
तो एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक बार हमने इसको प्लस के साथ रखा ठीक है, और एक बार हमने इसको माइनस के साथ रखा। प्लस के साथ रखेंगे क्या आएगा, 2/4 यानी कि 1/2, और माइनस के साथ रखेंगे क्या आएगा, -1 -3, -4/4 यानी कि -1। तो एक्स का वैल्यू आया हमारे पास 1/2 एंड -1। तो ये दो रूट्स हो गए ठीक है, हमें रूट्स फाइंड करना था, तो ये 1/2 एंड -1, समझ में आई बात है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, सेम क्वेश्चन है ठीक है, इसमें भी रूट फाइंड करना है विथ हेल्प ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। ओके तो सेम प्रोसेस है इसका भी, तो चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको भी। तो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद यहां पे देखो ध्यान से कि एक से डिवाइड करेंगे ये आ गया एक्स स्क्वायर ठीक है, फोर से डिवाइड करेंगे √3x, और इसको फोर से डिवाइड करेंगे 3/4 = 0, क्योंकि 0 को फोर से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, कोई डाउट नहीं है। तो इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ पे क्या है एक्स का कोफिशियंट प्लस में है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, बार बार बता रहा हूँ। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक की जगह है ही रूट ठीक है, एक की जगह एक्स था 2ab, बी की जगह क्या बचा √3, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसलिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो बी की जगह हो गया √3/2, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab में टूट गया ये, है ना, एक्स स्क्वायर यानी 2x √3/2। तो ये अगर ये है बी है, सपोज दैट मान लेते हैं √3/2 बी है, तो बी स्क्वायर होना है, तो बी स्क्वायर यानी √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर √3/2 का होल स्क्वायर अपने मन से दिए हैं ठीक है, प्लस किए हैं तो फिर माइनस करना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई किए थे तो डिवाइड करना पड़ा था उसी तरह। ओके बाकी क्या है 3/4 = 0, यही है। तो यहां से लेकर यहां तक ये सबको लिख सकते हैं अपन चाहे तो, क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ओके और इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3/4 ठीक है प्लस 3/4 = 0। ओके ये तो कट गया अपना, तो क्या आया हमारे पास √3/2 होल स्क्वायर = 0। ओके तो एक्स प्लस √3/2 इस रूट भी करेंगे तो सेम ही आएगा, 0 ही आएगा ठीक है। तो यानी बोल सकते हैं कि एक्स -√3/2, तो एक्स का एक ही वैल्यू आए हमेशा, तो रूट दो ही आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन दोनों इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू आया ना ठीक है, दोनों वैल्यू सेम टू सेम है, या इसको दो तरह से कर सकते हैं अगर आप चाहें, एक सेकेंड, अगर आप चाहें तो एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर = 0 था, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं ऐसे एक्स प्लस √3/2 = 0 ऐसे कर लेते हैं, और एक्स का वैल्यू निकालेंगे √3/2, और दूसरे एक्स का वैल्यू निकालेंगे ये भी आ गया √3/2, या फिर ऐसे कर लेंगे, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो वैल्यू आएगा हमेशा उसमें दो रूट आएंगे, यहाँ पे एक आ रहा है यानी दो रूट है, लेकिन दोनों को दोनों सेम है, दोनों का दोनों क्या है -√3/2, इसका ये वैल्यू आया ठीक है। और जब भी अगर आपका आंसर ना है सपोज दैट, तो आप एक्स की वैल्यू रख के चेक कर ले। चलिए आगे क्वेश्चंस में चलते हैं, तो यहां पर भी हमें क्या फाइंड करना है, यहां पर भी सेम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट फाइंड करना है, तो सेम प्रोसेस है, यहां पर भी वही कर रहे हैं अपन। ओके
तो टू से डिवाइड कीजिए पहले, टू से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा एच स्क्वायर, ये एच बाई टू, और इसको टू से डिवाइड करेंगे तो टू इजक्वल टू जीरो। ओके, तो एच स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई किए, ये एक्स की जगह ए तो है ही मान लेते हैं, ये तो ये ए हो गया, बचा क्या वन बाई टू। ठीक है, लेकिन टू से जो मल्टीप्लाई किए थे वो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, बी की जगह वन बाई फोर दिख रहा है तो वन बाई फोर का होल स्क्वायर, प्लस किए तो माइनस भी करना पड़ेगा। ओके, प्लस टू इजक्वल टू जीरो। ओके, जीरो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एक्स प्लस वन बाई फोर होल स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर करेंगे वन बाई सिक्सटीन प्लस टू इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करें, इधर लेकर आते हैं इक्वल के इसे, तो एक्स प्लस वन बाई फोर होल स्क्वायर ये आया वन बाई सिक्सटीन माइनस टू। सॉल्व करो तो एच प्लस वन बाई फोर होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आया वन माइनस थर्टी टू बाई सिक्सटीन, तो ये आया। तो लिख सकते हैं एच प्लस वन बाई फोर होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस थर्टी वन बाई सिक्सटीन। अब यहां पे देखो कि एच प्लस वन बाई फोर का अगर हम लेकर आते हैं तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये रूट में आ जाएगा, तो जैसे ही रूट में आया, रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं करता यानी इसका एक फैक्टर हो ही नहीं सकता, इसका रूट फाइंड ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो बोल सकते हैं कि द स्क्वायर of number cannot be negative। ठीक है, कोई भी स्क्वायर जो है वो निगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूट है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, हेंस रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये था, तो इस क्वेश्चन में रूट फाइंड हो ही नहीं सकता चाहे किसी भी मेथड से करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहां पे है कि फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां पे रूट तो निकालना है लेकिन किसके हेल्प से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पे है सॉरी 2s स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर सॉरी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d यही होता है। और यहां पे d निकालने से पहले हम ये भी सोच सकते हैं कि a पहले फाइंड करना होगा, उसके बाद b, उसके बाद c, तब तो आएगा d। तो a क्या होता है, a होता है कि जो h स्क्वायर का कोफिशियंट है यानी 2। ठीक है, b क्या होगा, h का कोफिशियंट, और c क्या होगा, कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है अल्फा और बीटा निकालते हैं, वहाँ पे एक ही फॉर्मूला आता है माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि डी भी बोल सकते हैं बाय टू ए। और एक माइनस लिए हैं तो एक प्लस लिए हैं तो एक माइनस होगा यहाँ पे, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। ओके, तो ये अल्फा और बीटा है यानी ये दो रूट्स हैं इसके,
तो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बी की जगह क्या है माइनस सेवन प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेवन का स्क्वायर माइनस सेवन का स्क्वायर, ओके माइनस फोर ए, ए की जगह क्या है टू सी यानी थ्री बाय टू ए, ए की जगह टू। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है हमारे पास 49 और ये 24 बाय 4, यानी बोल सकते हैं माइनस सेवन प्लस 25 बाई 4, तो रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा ये प्लस 5 बाई 2, यहां पे क्या आया 2 बाई 4 यानी 1 बाई 2। तो अल्फा का वैल्यू 1 बाई 2 आ गया। इसी तरह अगर बीटा का वैल्यू हम निकालेंगे यहां पे तो माइनस 7 तो है ही और यहां पे इसकी वैल्यू हमने लेकर आए हैं 25 और यहां पे 2 2 जा 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो माइनस 7 माइनस 5 बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 3। तो अल्फा और बीटा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 2, बीटा इज इक्वल टू माइनस 3, ओके क्लियर है। तो यहां पे दो रूट आ गया अल्फा और बीटा 1 बाई 2 एंड माइनस 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है, ओके तो यहां पर भी a b c का वैल्यू निकाले पहले, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 1 और c इज इक्वल टू 4, ठीक है। अल्फा माइनस b प्लस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ओके माइनस b यानी माइनस और माइनस 1, देखो यहां पर भी माइनस है, ये माइनस में ऑलरेडी है भी, तो दो बार हमने दिखा दिया इसको, प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर बी स्क्वायर है, माइनस फोर ए की जगह टू और सी की जगह फोर बाई टू ए की जगह टू। तो यहां पे क्या आया हमारे पास, माइनस माइनस ये प्लस हो गया और वन का स्क्वायर क्या होगा, वन माइनस वन का स्क्वायर भी वन ही होता है और ये हमारे पास आ गया 32 बाई 4, ठीक है। वन प्लस रूट ओवर माइनस 31 बाई 4, देखो हमने थोड़ी देर पहले भी कहा कि रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, जब रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका रूट तो फाइंड ही नहीं होगा, ओके तो यहां पे हम लिख सकते हैं रूट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये, अगर बीटा का वैल्यू देखते हैं सपोज बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1, यहां प्लस की जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा रूट ओवर माइनस 31 बाई 4, ठीक है। तो इस इक्वेशंस में हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पे रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो लिख लो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस में बोला कि हेंस सॉरी इन अ स्क्वायर रूट
निगेटिव नंबर do not exist. So roots are do not exist. तो हमारा आंसर क्या होगा कि रूट एग्जिस्ट नहीं करता है. समझ गए? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसके अंदर क्या है? 4x स्क्वायर चलिए देखते हैं. 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो यहां पे a देखते हैं, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3, c इक्वल टू 3. ठीक है, अल्फा और बीटा फाइंड करते हैं. तो पहले अल्फा देख लेते हैं. देखो अल्फा और बीटा किसी को भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए जो है यही अल्फा होगा, ये बीटा भी हो सकता है. दो रूट है, कोई अल्फा कोई बीटा. ठीक है, यहाँ पे माइनस बी माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है. तो इसको लिख सकते हैं 4√3 प्लस, अब इसका स्क्वायर करना है तो 4√3 का स्क्वायर क्या होगा? 48. ठीक है, माइनस फोर ए की जगह 4, सी की जगह 3, ओके बाई 2 ए. 4√3 प्लस 48 माइनस 48 बाई 8. तो हमारे पास क्या है? 4√3, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0. तो किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं, तो रूट 3/2. तो अल्फा तो ये आया, तो बीटा क्या आएगा? बीटा भी सेम है, बीटा के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ माइनस है और इसकी वैल्यू तो जीरो है. रूट के अंदर जो भी आया वो क्या आया? जीरो आया. तो किसी भी नंबर से जीरो या तो प्लस करो या तो माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो रूट 3/2. तो जो इसके रूट्स आए, ठीक है, रूट 3/2 एंड रूट 3/2, ओके आंसर. तो हमारे पास रूट से क्या है? रूट 3/2 एंड रूट 3/2. क्लियर है? चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं. 2x² माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0. ठीक है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 1, c इक्वल टू 4, ओके. तो हमारे पास अल्फा क्या आएगा? माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. क्लियर है? अगर चाहे तो आपको पहले से d फाइंड कर सकते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, यहाँ पर अलग से पहले फाइंड कर लीजिए, फिर पुट भी कर सकते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन में मैं अलग से फाइंड कर लेता हूँ. तो d का वैल्यू क्या आता है? ठीक है, तो इस कंडीशन में जो d होगा वो, सॉरी अल्फा जो होगा वो ये हो जाता है रूट ओवर डी बाई 2. ठीक है, d का वैल्यू हम ये फाइंड कर लेंगे यहाँ से. तो यहाँ से अगर फाइंड करेंगे माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 a की जगह 2 है, c की जगह 4 है. ठीक है, तो क्या है? 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, और इसको हम करेंगे 32. तो ये आ गया माइनस 31.
तो रूट के अंदर माइनस ये चीज तो नहीं करता, ठीक है। तो रूट के अंदर या तो बीटा भी अगर हम लेंगे तो बीटा भी क्या होगा, बीटा भी यही होगा। तो सबसे पहले डी का वैल्यू तो आना चाहिए, डी का वैल्यू या तो 0 आना चाहिए या 0 से ज्यादा आना चाहिए, तभी अल्फा और बीटा फाइंड हो सकेगा। इस कंडीशन में ठीक है अल्फा और बीटा फाइंड नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर क्या है, माइनस है। तो बोल सकते हैं रूट के अंदर माइनस होने की वजह से ये फाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अगर इसका स्क्वायर करते हैं, सपोज इसका स्क्वायर करेंगे ठीक है, या रूट हटा देते हैं ठीक है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोरिंग। यहाँ पे कोई भी मेथड के बारे में नहीं बात किया है कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं और कोई भी मेथड यूज करके हमें इसके रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री, एलसीएम लिए, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये इधर आया, जीरो आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोई वो नहीं है कि आप फैक्टराइजेशंस लगाएं या कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड लगाएं या फिर क्वाड्रिक फॉर्मूला लगाएं। तो यहाँ पे अभी हम क्वाड्रिक इक्वेशंस चैप्टर है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन में क्वाड्रिक फॉर्मूला लगा देंगे या फैक्टर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस थ्री एंड सी इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो डी हम फाइंड कर लेते हैं, डी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, सॉरी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। तो बी क्या है, माइनस थ्री होल स्क्वायर, फोर ए की जगह वन और सी की जगह माइनस वन, नाइन प्लस फोर ठीक है, रूट ओवर थर्टीन, ओके। डी का वैल्यू क्या है, रूट ओवर थर्टीन, और अल्फा क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बाई टू ए, ठीक है। बी क्या है, माइनस थ्री है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस रूट ओवर थर्टी बाई टू ए, ए की जगह वन है तो टू इंटू वन टू, और बीटा क्या आएगा हमारे पास, सेम होगा बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, थ्री माइनस रूट ओवर थर्टीन बाई टू ए, सॉरी टू। तो ये अल्फा और बीटा दोनों आ गया, ठीक है। तो यहां पे हमारे दो रूट्स आए, रूट्स आर थ्री प्लस रूट ओवर थर्टीन बाई टू एंड थ्री माइनस रूट ओवर थर्टीन बाई टू, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको में भी रूट फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में भी रूट ही फाइंड करना है। यहाँ पे डिफाइंड नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ओके। तो चलिए, वन बाई एक्स प्लस फोर माइनस इक्वल टू इलेवन बाई थर्टी, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो एक्स प्लस फोर एक्स माइनस सेवन, क्लियर है। तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस सेवन, और यहां क्या आएगा, एक्स प्लस फोर, क्लियर है, इक्वल टू इलेवन बाई थर्टी। इसको सॉल्व करते हैं और आगे, तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स माइनस सेवन माइनस एक्स माइनस फोर, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, इसलिए माइनस थ्री एक्स दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, ट्वेंटी एट इक्वल टू इलेवन बाई थर्टी, ठीक है।
क्या आया माइनस 11 एच स्क्वायर माइनस 13x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। ठीक है, तो हमारे पास आया एच स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 11 से 11 करके, 1 टाइम्स 1 माइनस 1 है, माइनस 1 इंटू 30 इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। माइनस 28 है ये, इधर आके प्लस हो गया इक्वल टू 0। तो एच स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको इसमें फैक्टर कर देते हैं, तो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, ऐड करने पर माइनस 3 मल्टीप्लाई करने पर 2, फैक्टर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, x कॉमन लिए और यहाँ से 1 कॉमन लिए, एच माइनस 2 इक्वल टू 0। एच माइनस 2 कॉमन लेंगे, एच माइनस 1 इक्वल टू 0, एच माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे जो रूट्स आए वो रूट्स कौन कौन से आए, रूट्स आर 2 एंड 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो रूट आए, 2 एंड 1। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find each percentage। तो जो रहमान का एज है 3 साल पहले और 5 साल बाद, ओके, उस एज का रेसिप्रोकल का सम 1/3 है, तो उसका परसेंटेज क्या है। तो मान लेते हैं जो भी जो चीज निकालना होता है उसी को मान लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका परसेंटेज एज, मान लेते हैं उसका परसेंटेज एक्स है। लेट रहमान इज 2x year, ओके। अगर उसकी एज की बात करें 3 साल पहले, ही एज 3 years ago, क्या होगा, एक्स माइनस 3 और 5 years from now क्या होगा, एक्स प्लस 5, ओके। तो इनका जो सम है रेसिप्रोकल का सम अगर देखा जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल का सम, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/h-3 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/h+5 इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये हो गया एच प्लस 5 और ये हो गया एच माइनस 3, ये हो गया 2h+2 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, एच स्क्वायर प्लस 2x-15 इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2 कॉमन लेंगे एक्स प्लस 1 और इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 into 2h+2 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आया 1 में h स्क्वायर प्लस 2x-15। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 6x+6 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 2x+। ठीक है, सबको एक ही डायरेक्शन में लेके आते हैं, तो क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस 2x-15 -6x-6 इक्वल टू 0। तो एच स्क्वायर -4x-21 इक्वल टू
इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स आया, मल्टीप्लाई करने पर 21 आ रहा है, इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस सेवन, यहाँ पे थ्री कॉमन लो एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू सेवन एंड एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। जो एज होगा वो माइनस में तो हो नहीं सकता है, अगर माइनस में एज हो गया इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो तो अभी बॉर्न ही नहीं हुआ है। तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो कैरेट वैल्यू क्या होगा, सेवन होगा, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, सेवन होगी। तो बोल सकते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज सेवन ईयर। ओके क्लियर। अब क्या बोल रहा है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट में सेफाली की जो मार्क्स है मैथ और इंग्लिश का दोनों को सम करेंगे तो 30 आ रहा है। हैड शी गॉट टू मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड थ्री लेस इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी हैव बी 210। तो फाइंड द मार्क्स इन टू सब्जेक्ट। ओके बोल रहा है यदि मैथ में दो मार्क्स और लेकर आती ज़्यादा और इंग्लिश में तीन मार्क्स कम लेकर भी आती तो उनका जो प्रोडक्ट है 210 है, तो रियल में उनकी मार्क्स बताना है कि मैथ और इंग्लिश में क्या मार्क्स रही है। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं हर मार्क 2x एंड इन इंग्लिश 2y। ठीक है, अगर दोनों की सम के बारे में बात करें, ठीक है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास 30। तो x इक्वल टू क्या होगा 30 माइनस वाई। ठीक है, अगर ये कंडीशन देखे तो x इक्वल टू 30 माइनस वाई। ठीक है, और क्या बोल रहा है कंडीशन, इसमें बोल रहा है कि अगर मैथ में दो मार्क्स और आते यानी x आ रहा है तो x प्लस टू आता और इंग्लिश में y आ रहा है तो 3 मार्क्स कम आते और इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 210। क्लियर है। ओके ये कहानी, तो अगर हम चाहे तो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में के लाना है, ये तो अभी मान लो वो भी वन वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ टू वेरिएबल है, एक्स और वाई दो वेरी कर रहा है, तो वन वेरिएबल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह हम 30 माइनस वाई को पुट कर दे रहे हैं। तो एक्स की जगह जैसे ही 30 माइनस वाई को पुट करेंगे देखो क्या होता है 30 माइनस वाई ओके प्लस टू, एक्स इक्वल टू 30 माइनस वाई प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू 210। ओके तो हमारे पास क्या आ गया 32 माइनस वाई एंड वाई माइनस थ्री इक्वल टू 203। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 32y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 96 प्लस 3y इक्वल टू 203। ठीक है, ये सबको इधर लेकर आते हैं कि डायरेक्शन में ये हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों को ऐड किए हैं 35 माइनस 35। ठीक है, प्लस है तो इस साइड आके क्या हो गया माइनस। ठीक है, ये इधर ऐड किया तो प्लस हो गया, तो प्लस क्या आएगा 306।
इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 306 इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करते हैं। ओके चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो फैक्टर भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर सबसे आसान होता है तो फैक्टर ही कर लेते हैं। तो इसकी फैक्टर्स क्या होगी, 17 और 18, 35 वाई स्क्वायर 17 वाई माइनस 18 वाई मल्टीप्लाई करो 306 आएगा इक्वल टू जीरो, ठीक है। वाई माइनस 70, ठीक है, माइनस 80 वाई माइनस 70 इक्वल टू जीरो। तो y माइनस 70 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 80 इक्वल टू जीरो। तो y माइनस 70 इक्वल टू जीरो, देन y का वैल्यू क्या आया, 70, ठीक है। और y माइनस 80 इक्वल टू जीरो, तो y का वैल्यू क्या आया, 80। दोनों वैलिड वैल्यू है, दोनों वैलिड है, y का दो वैल्यू आ रहा है 17 और 80। तो अगर मैथ में, सॉरी इंग्लिश में उसको 17 आया है तो मैथ में कितना आएगा, 13 आएगा। अगर 18 आया तो मैथ में 12 आएगा। x इक्वल टू क्या है, 30 माइनस वाई है, ओके। तो 30 माइनस 17 अगर करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, अगर मैथ की बात करें तो मैथ की दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 13, एक आएगा 12। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी दो वैल्यू आएगा, ये 13 आया तो ये 17 आ रहा होगा, ये 18 आ रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे आंसर जो है 13, 17, 12, 18, दो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बोल सकते हैं, तो हमें क्या पूछा था, मैथ और इंग्लिश में मार्क्स क्या होगा। तो 13 अगर मैथ्स में आ रहा है तो इंग्लिश में 17 आएगा, मैथ्स में 12 आ रहा है तो इंग्लिश में 18 आएगा, ओके। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ठीक है। एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। इफ लॉन्गर इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड जो है 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, तो इसकी फाइंड करना है साइड। तो रेक्टेंगल अगर है, सबसे पहले ये देखो कि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना लेते हैं, चलो फिगर तो मेरी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ये एक रेक्टेंगल है, और ये मान लेते हैं शॉर्टर साइड है। तो ये लॉन्गर साइड है, ये इससे 30 ज्यादा है, और ये तो डायगोनल हो गया, ओके। और डायगोनल क्या है, 60 ज्यादा है, तो ये कहानी है टोटल, ठीक है। हमें साइड पता करना है तो मान लेते हैं, ठीक है, क्या मानेंगे, लेट्स एक्स बी द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, ठीक है। शॉर्टर साइड का जो लेंथ है एक्स है, तो लॉन्गर साइड का लेंथ क्या होगा, एस प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की, तो यहां पे हर एंगल 90 बनाता है, इच एंगल आर 90 डिग्री। तो अगर इन ट्रेंगल देखा जाए ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी इज राइट एंगल ट्रेंगल, ए बी सी इज राइट ट्रेंगल है कि नहीं। अगर ए बी सी राइट ट्रेंगल है और यहां पे हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस भी है,
ठीक है, तो बोल सकते हैं इन, ए बी सी। चलिए देखते हैं, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से होगा कि नहीं होगा, तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो एच प्लस एसटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी क्या है, एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 30 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, तो देखिए एच स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 प्लस इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ओके, सबको एक ही साइड में लेकर आते हैं, तो क्या बचेगा, एच स्क्वायर माइनस 60x माइनस सॉरी प्लस 60x माइनस 120x, ठीक है, प्लस 900 माइनस 2700। तो ये कहानी है, इसको फैक्टर करते हैं, एच स्क्वायर इसको फैक्टर करो, क्या आना चाहिए, 30x प्लस 30x 2700 इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक्स कॉमन लेते हैं एच माइनस 90, ठीक है, 30 कॉमन लेते हैं एच माइनस 90 इक्वल टू 0, तो एच माइनस 90 एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 90, और एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 30, तो माइनस में तो लेंथ होगा नहीं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 90, यानी जो शॉर्टर साइड है, ठीक है, शॉर्टर साइड क्या है, एक्स है और एक्स इज इक्वल टू क्या है, 90, और जो लॉन्गर साइड है, ठीक है, वो इससे 30 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, तो ये हो गया 120। ठीक है, हमें यही पूछा था साइड ऑफ द रेक्टेंगल, तो यानी 90 और 120, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। ओके, एंड द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है लार्जर नंबर से 8 टाइम है, तो नंबर फाइंड करना। ओके, तो मान लेते हैं कि जो शॉर्टर है वो x है, ठीक है, वहां से शुरू करते हैं, या फिर इन दोनों नंबर को मान लेते हैं वहीं से शुरू कर लेते हैं, तो लेट द टू नंबर एक्स एंड वाई, ओके, हमें क्या बोल रहा है कि दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वह है 180। ओके, और कंडीशंस क्या है कि जो स्मॉलर नंबर है, मान लेते हैं एक्स स्मॉलर है, ठीक है, यहां पे जो स्मॉलर होगा वो वाई होगा, क्यों होगा वाई, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 लिखे हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स यहां बड़ा है तभी ये आएगा ना, तो एक्स बड़ा है तो छोटा कौन है, वाई, तो बोल रहा है कि y का जो स्क्वायर है वो बड़ा नंबर का 8x है, मतलब 8 टाइम्स है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है, ये कहानी है, तो बस सॉल्व कर लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो पूरा
पुट करते हैं एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज टू 180 है ही, तो वाई स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, माइनस एट एक्स इज टू 180। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 180 इज टू 0। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, एच स्क्वायर माइनस 80x प्लस 10x माइनस 180 इज टू 0। तो x कॉमन लेता हूं, x कॉमन लिए x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लिए x माइनस 18 इज टू 0 एंड x माइनस 18 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 10 इज टू 0। तो x माइनस 80 इज टू 0 एंड x इज टू 80 एंड x प्लस 10 इज टू 0 एंड x इज टू माइनस 10। ओके, तो एक जो नंबर आया, एक तो नंबर आ गया हमारे पास लार्ज 18, तो स्मॉलर क्या आता है, चलिए यही से देख लेते हैं। तो हमारे पास है 8x इज टू वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां से देख लेते हैं अपन, तो क्या आएगा 144 इज टू वाई स्क्वायर एंड 12 इज टू वाई। ठीक है, जो नंबर आया था हमारे पास वो कौन कौन से नंबर आया, एक्स का वैल्यू 18 और वाई का वैल्यू 12। फाइंड द टू नंबर 18 एंड 12 आर नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, एक घंटा कम समय लेता इतना ही दूर जाने में, तो ट्रेन का स्पीड क्या है। तो मान लेते हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है वो एक से, ठीक है, तो मान लो स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ओके, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 360 किलोमीटर, टाइम क्या लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड यानी 360 बाई एक्स इतना आवर लग रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि अगर उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, इफ द स्पीड इंक्रीज, बोल रहा है इफ द स्पीड इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच टाइम द प्लेस रिड्यूस टू 1 आवर, यदि उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं तो जितना टाइम लगना है उससे 1 घंटा कम समय लगता है, तो जो अब टाइम आएगा वो क्या आएगा 360 किलोमीटर। अब स्पीड बढ़ा दे रहे हैं तो पहले स्पीड x था तो अब कितना होगा x प्लस 5, तो जो ये टाइम है इस टाइम के कंपेरिजन में 1 घंटा कम है, तो यानी कि पहला वाला टाइम ज्यादा है। ओके, तो ये टाइम है 360 बाई x और ये टाइम है 360 बाई x प्लस 5। ठीक है, ये 1 घंटा ज्यादा है, माइनस करेंगे तो 1 आवर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 360 अगर कॉमन लेंगे 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 150 इक्वल सर 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसको इधर लेकर आते हैं ओके, तो यहां पे क्या आया एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई 360। ओके, सॉल्व करो इसको,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1800। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस 1800 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर 1800 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए, ओके। तो देखते हैं कौन सा आएगा, यानी 45 और 40, एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व कर लेंगे, तो ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या दिख रहा है, कितना आना चाहिए, एक्स माइनस 40 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस 45 और एक्स की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक्स का वैल्यू क्या आया, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक्स का वैल्यू 40 आया। तो ट्रेन का स्पीड क्या है, एक्स है, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले जा रही थी, ठीक है। अब इंक्रीज कर देंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी तो हमें लग रहा था 9 आवर, और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी तो हमें लगेगा 8 आवर्स, तो एक घंटा कम हो गया, काम खत्म। तो हमें स्पीड पूछ रहा था 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू वाटर टैप्स टूगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। The tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can the separately fill the tank. तो क्या बोल रहा है कि दो टैप है, दो जो एक साथ किसी भी टंकी को 9 hole 3/8 आवर में भर देते हैं, ठीक है। और जबकि बोला है कि जो larger diameter वाला टैप है, ठीक है, वो 10 घंटा कम समय लेता है स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से, यानी अगर सिंगली उनको खोला जाए सिंगल सिंगल, तो स्मॉलर डायमीटर वाले जो टैप है वो जितना समय लेता है लार्जर डायमीटर वाला टैप उससे 10 आवर कम समय लेता है। तो हमें बताना है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, अकेला एक टैप उस कंट्री को कितना समय में भरेगा, दोनों के बारे में बताना है। तो मान ले द टाइम टेकन बाय अ स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप इज इक्वल टू एक्स आवर। तो जो स्मॉलर टैप है वो एक आवर का समय लेता है, ठीक है, और लार्जर समय कितना लेगा, इससे 10 घंटा कम, यही लेगा एस माइनस 10 आवर, क्लियर है। तो एक आवर में पूरा टैंक भर देते हैं तो एक घंटे में कितना भरेंगे, अगर देखा जाए इन वन आवर फिल द टैंक बाय अ स्मॉलर टैंक, फिल द टैंक बाय अ स्मॉलर टैंक कितना होगा, 1/x पार्ट, जितना टंकी का है उसका 1/x पार्ट वो भरेंगे, ठीक है। अगर यही बात उनके साथ है लार्जर के साथ तो वो कितना देर में भरेंगे, लार्जर टैप के बारे में अगर बात किया जाए तो वो 1/x/10 आवर में पूरा, सॉरी वो एक घंटे में कितना फिल करेंगे, 1/x-10 पार्ट। अगर दोनों एक घंटे में देखा जाए तो दोनों मिलके एक घंटे में कितना करेंगे, टैप फिल द टैंक इन
1 आवर, ठीक है। तो दोनों ये इतना भरेगा और ये इतना भरेगा, यानी कि पहला वाला 1/x भरेगा और दूसरा 1/x-10 भरेगा, ठीक है। तो बोथ टैप फिल द टैंक इन 1 आवर, दोनों मिलके इतना भरेंगे, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, x x-10 x-10 + x, यानी कि 2x-10y h² - 10x, दोनों मिलकर 1 आवर में इतना पार्ट टैंक भर देंगे, ठीक है, जो भी है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन बोला है टू वाटर टैप्स टूगेदर कैन फिल ए टैंक 9 whole 3/8 hours, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टू वाटर कैन टैंक है जो इतना देर में वो भर दे रहे हैं, ठीक है। इधर टुगेदर दे फिल द टैंक इन 9 whole 3/8 hours means 75/8 hours, ठीक है। तो इन 1 आवर फिल द टैंक बाय बोथ टैप क्या होगा, 1/75/8 हो जाएगा, यानी 8/75। जबकि हमारे पास दोनों का सम हम निकाले हैं तो क्या आया था, यहाँ से देख सकते हैं, तो दोनों का जो सम आया है वो ये आया है, है ना, 2h-10h² - 10x। तो 2h-10 और h² - 10x इक्वल टू 8/75, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 150x-750, ठीक है, 8h² - 80x, ठीक है, 8h² - 80x - 150x + 750 is equal to 0, ठीक है, 8h² 230 + 750 = 0। तो यहाँ से कॉमन हो सकता है तो कॉमन ले सकते हैं, टू कॉमन अगर ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4h² - 115x + 375 = 0, ये आ गया। तो यहां पे आया 4h² - 115x + 375 = 0, डिवाइड करेंगे 0 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको फैक्टर करते हैं, तो जैसे ही फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 4h², ठीक है, 100 - 15x + 375 = 0, ठीक है। 4h कॉमन ले लिए, यहाँ ले बचा x-25, x-25 = 0 एंड x = 25। और दूसरा आया 4h - 15 = 0 एंड 4x = 15 और h = 15/4, दो वैल्यू आया, ठीक है। तो 15/4 इज नॉट ए पॉसिबल, क्यों नहीं, क्योंकि इससे तो लेस हो ही नहीं सकता है, 10 आवर लेस है, तो ये 10 से तो हमेशा ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो जो स्मॉलर टैप है वो कितने देर में भरेगा, बोल संगे, जो स्मॉलर टैप है वो 25 आवर में फिल करेगा और जो लार्जर टैप है, लार्जर डायमीटर वाला टैप, वो इससे 3 आवर कम, यानी 15 आवर में
तो लिख सकते हैं कि अ स्मॉलर टैप विल फिल द टैंक इन 25 आवर, ठीक है, एंड लार्जर टैप -10 यानी कि 15 आवर। तो ये कहानी, ठीक है, तो लार्जर टैप भरेगा आपको 15 आवर में और स्मॉलर टैप 25 आवर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन स्पेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन द मैसूर एंड बेंगलुरु, ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज ट्रेन ऑफ टू, एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। ओके, बोल रहा है कि ये पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम समय लेता है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है, ठीक है, दोनों मान लेते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन ठीक है डी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द एक्सप्रेस ट्रेन बी 8+10 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये कहानी है। तो दोनों ट्रेन का अगर टाइम देखा जाए, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, ओके, तो ये जो टाइम लेगा, स्पीड 132 जाना है, सॉरी डिस्टेंस 132 जाना है, स्पीड x है तो 132/x, इसको भी उतना ही जाना है, लेकिन इसकी स्पीड है x+11। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेता है, यानी पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा समय लेता है, तो ये जो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है ये रहा, इससे 1 घंटा कम समय लेगा एक्सप्रेस ट्रेन = 1। ओके, तो 132 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x 1/x 1/x+11 = 1, तो हमारे पास आया x x+11, ठीक है, तो x+11 - x = 1/132, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x² + 11x = क्या है 452, x² + 11x - 1452 = 0, ठीक है, इसको फैक्टर करते हैं, x² + 11x - 1452 = 0, तो आते हैं इसको फैक्टर करते हैं, तो 11x - 1452 = 0, तो इसको फैक्टर कर लेते हैं, x² + 44x - 33x - 152 = 0, s कॉमन लेते हैं
एस प्लस 44 माइनस 33 लेते हैं, एस प्लस 44 इक्वल टू जीरो, एस प्लस 44 कॉमन लेंगे और हमारे पास आएगा एस माइनस 33 इक्वल टू जीरो, एस प्लस 44 इक्वल टू जीरो, देन एच इक्वल टू माइनस 44 एंड एच माइनस 33 इक्वल टू जीरो एंड एच इक्वल टू 33। तो हमारा जो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड है वो आ गया 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि सिंस द स्पीड ऑफ ठीक है, द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज +11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये था क्वेश्चन हमारे पास, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। वो रहा है कि दो स्क्वायर है जिसका एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 और उनका पेरीमीटर का डिफरेंस जो है 24 मीटर है, तो साइड पता करना है दोनों स्क्वायर का। तो मान लेते द साइड of two square b a and b, okay? Area of first square a square and the area of second square is equal to b square, और दोनों का जो सम है वो क्या बोल रहा है 468। ओके, अगर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा 4a और पेरीमीटर ऑफ द सेकेंड स्क्वायर ये होगा 4b इक्वल टू 4b। ओके, और इनका डिफरेंस अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4a माइनस 4b इक्वल टू 24। अगर 4 कॉमन लेते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू 24, तो a माइनस बी इक्वल टू 24 बाई 4 इक्वल टू 6, तो a माइनस बी इक्वल टू 6, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और तो हमारे पास आया था a प्लस बी यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 468 और a माइनस बी इक्वल टू 6, ठीक है। a इक्वल टू क्या आएगा 6 प्लस बी, ऐसा बोल सकते हैं। अगर इसी वैल्यू को हम यहां पुट कर रहे हैं तो a की जगह 6 प्लस बी, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 468। तो इसको स्क्वायर करो, 36 प्लस 12 बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 468। तो हमारे पास आया 2b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 36 माइनस 468। ओके, 2b स्क्वायर प्लस 12b और इसको माइनस कर लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस
2, 3, 4 इसको 2 0 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस 6b 216 इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 इक्वल टू 0। 0 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम फैक्टर कर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 इक्वल टू 0 को हम फैक्टर कर रहे हैं, तो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 18b माइनस 12b माइनस 216 इक्वल टू 0। बी कॉमन ले लीजिए, बी कॉमन लेंगे बी प्लस 18, 12 कॉमन लीजिए बी प्लस 18 इक्वल टू 0, तो बी प्लस 18 कॉमन लेंगे बी माइनस 12 इक्वल टू 0, बी प्लस 18 इक्वल टू 0, देन बी इक्वल टू माइनस 18, बी माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 12, तो बी का वैल्यू 12 आ गया, ठीक है। और ए का वैल्यू क्या आएगा, ए इक्वल टू बी प्लस 6 था, क्लियर, तो यानी ए इक्वल टू 12 प्लस 6 इक्वल टू 18। तो जो स्क्वायर की साइड थी वो क्या आया, 18 मीटर और 12 मीटर, तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू ए बोले तो 18 मीटर, ठीक है, और साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर ओके इक्वल टू बी 12 मीटर, यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।